हेलो भाई, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वैलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और वैलोरेंट जैसे गेम को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो सीधा इन्फो पे चलते हैं। तो देखो, वैलोरेंट मोबाइल के फिलहाल बीटा टेस्टिंग चल रही है चाइना में, और ये आप जो पीछे गेम प्ले देख रहे हैं उसी बीटा टेस्ट का गेम प्ले है। और जो लोग भी इस गेम का बीटा टेस्ट कर रहे हैं उन लोगों ने बहुत सारे पॉजिटिव्स बताए हैं, या फिर हमको स्ट्रीम में देखने को मिले हैं, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि मोस्टली पॉजिटिव्स ही देखने को मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा है इसका ऑप्टिमाइजेशन। इतना बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन किया गया इस गेम को लो एंड डिवाइसेस के लिए भी कि आप पूछो मत। अगर आपके पास 4GB रैम वाला फोन है और 600 सीरीज का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, तो भी आप इजीली 40 टू 45 FPS पे कॉन्स्टेंटली खेल पाएंगे बिना फ्रेम ड्रॉप और लैग। मजा आया ना सुनके? और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये कहने के लिए कह रहा हूँ, लिटरली लो एंड डिवाइसेज में भी बहुत अमेजिंग चल रहा है ये गेम बिना लैग फ्रेम ड्रॉप के। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है 120 FPS इस टाइम पे ही दे देने, यानी बीटा टेस्ट में ही दे देना। बहुत सारे गेम लॉन्च होने के बाद 6 महीने बाद भी 120 FPS नहीं कर पाते, मगर वैलोरेंट मोबाइल ने बीटा टेस्ट में ही 120 FPS सिर्फ दिया ही नहीं है। अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है और 120 FPS पे अगर आप खेल सकते हो, तो 120 FPS पे भी बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिलता। और चलो मान लेते कि 120 FPS पे थोड़ा बहुत मान लो कहीं पे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है, पर 120 FPS का बीटा में ऑप्शन दे देना ही इज अ बिग डील। तो आप सोच सकते हैं कि गेम को कितना अच्छे तरीके से डेवलप किया है और कितना बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है लो एंड डिवाइसेस के लिए और हाई एंड डिवाइसेस के लिए। और बाकी दूसरे गेम से हमको यही शिकायत रहती है कि वो ऑप्टिमाइजेशन छोड़ के पता नहीं क्या क्या ऐड करना शुरू कर देते हैं। हम ये ऐड कर देंगे, हम वो ऐड कर देंगे, सिवाय ऑप्टिमाइजेशन के लो एंड डिवाइसेस में बाकी वो सब कुछ करने लग जाते हैं, मगर वैलोरेंट मोबाइल ने सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दिया है। नेक्स्ट जो पॉजिटिव चीज है वो है एडवांस ट्रेनिंग मोड। और इस ट्रेनिंग मोड की खासियत ये है कि आप इसमें जंप पीक शूट और जिगल पीक शूट की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना एम अच्छा कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो दूसरे गेम से इस गेम में आएंगे, और क्योंकि वैलोरेंट मोबाइल का एक अलग आर्ट स्टाइल है, गन यूज करने का एक अलग मैकेनिज्म है, मूवमेंट का एक बिल्कुल ही अलग मैकेनिज्म है, तो न्यू प्लेयर्स को कंफर्टेबल कराने के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग मोड होना जरूरी था। और आप इस चीज से ही सोच सकते हैं कि वैलोरेंट मोबाइल कितना नए प्लेयर्स के बारे में सोच रहा है, कि अगर कोई किसी दूसरे गेम से आ रहा है तो पहले उसको आर्ट स्टाइल समझाना पड़ेगा वैलोरेंट मोबाइल का, और वो इस ट्रेनिंग ग्राउंड में इजिली समझ सकता है, इजिली प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर आप वैलोरेंट मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसके मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो इस ट्रेनिंग मोड में आके आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हो प्रैक्टिस करके। बाकी उसके अलावा दूसरा ट्रेनिंग मोड तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट जो अच्छी चीज है वैलोरेंट मोबाइल में, जो कि पीसी में भी नहीं है, जो पीसी प्लेयर बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, वो वैलोरेंट मोबाइल में पहले आ रहा है। और वो ये है कि हमारा गेम जब खत्म होता है तो हम गेम खत्म होने के बाद अपने गेम प्ले का पूरा रिकैप देख पाएंगे, यानी हम उसको देख के एनालाइज कर पाएंगे कि हमने कहां गलती की थी। बाकी ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, एंड फॉर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर टू, तो ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो इस चैनल पे आपको वैलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड फ्यूचर में बहुत कंटेंट देखने को मिलेगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने जितना भी बात किया है उन लोगों से जिनके पास एक्सेस है, या फिर जितना भी स्ट्रीम में देखा है लोगों के, गेम काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ है लो एंड डिवाइसेस के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। और जो वैलोरेंट है वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने ई स्पोर्ट्स के लिए, तो बहुत ज्यादा ई स्पोर्ट्स का भी सीन इसमें रहने वाला है। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से वैलोरेंट मोबाइल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑन मोबाइल गेमिंग। एक और सबसे अच्छा पॉजिटिव हमको ये देखने को मिला है कि अब तक कोई भी हमको मेजर बग या ग्लिचेस देखने को नहीं मिला है। जितना भी कॉन्टेंट मैंने ट्विटर पे देखा है या फिर स्ट्रीम्स पे देखा है लोगों के, अब तक मुझे कोई भी मेजर ग्लिच या बग देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कोई छोटे मोटे बग हो वो, जो कि माइनर से होते हैं, और भाई बीटा में ही अगर कोई ग्लिच और बग, मेजर ग्लिच और बग देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर मजे की बात है। और छोटे मोटे माइनर अगर बीटा में है तो फिर वो दूर हो जाएंगे ग्लोबल लॉन्च के टाइम। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना अमेजिंग तरीके से बनाया गया इस गेम को कि बीटा में एक ग्लिच और बग तक नहीं डिटेक्ट हुआ है अभी तक। फिलहाल अभी तक तो नहीं हुआ है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन फ्यूचर शायद कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन बीटा टेस्टिंग को लगभग 5 दिन हो गए हैं। ये बीटा टेस्टिंग 1 महीने तक चलना है, यानी और 25 दिन रहने वाला है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हो सकता है हमको बहुत जल्दी ओपन बीटा देखने को मिले ग्लोबल, जहाँ पे हमको क्यूक्यू और वीचैट वाला सिरदर्दी देखने को नहीं मिलेगी, और नॉर्मली हम गेम डाउनलोड करके खेल पाएंगे। तो काफी पॉजिटिव है, काफी अमेजिंग गेम है। जिनको एक्सेस मिल गया है गेम का, एंजॉय करो, जिनको नहीं मिला है थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्दी हमको इसका ग्लोबल लॉन्च देखने को मिल सकता है। एंड शाउट आउट टू स्प्रेजेंट भाई, काफी हेल्प किए उन्होंने मेरी गेम प्ले के वीडियोस प्रोवाइड करने में। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पीस। I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message.